मोरबी पुल हादसे में 5 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन अब वो बंद हो गया है, यानी ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब तक 135 शव बरामद कर लिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। मोरबी में पुल गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। रविवार का दिन था जब हमने देखा 6:30 बजे के आसपास ये पुल गिरा, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 130 से ज्यादा शवों की बात सामने आ रही है कि अब तक निकाल लिए गए हैं और 135 पूरा आंकड़ा बताया जा चुका है रेस्क्यू टीम की तरफ से। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि 5 दिन कड़ी मशक्कत की गई इन शवों को निकालने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा, लेकिन फिलहाल अब रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुल 135 शवों को निकाल लिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त देने की कोशिश गुजरात से कर रहे हैं, क्योंकि मोरबी में ऐसा बड़ा हादसा हुआ जिसने सभी के मन को विचलित कर दिया। अचानक से वो पुल गिर जाता है जिसमें 135 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार का दीमक इस पुल को जो खा रहा था उसकी वजह से हादसा हुआ, और मेंटेनेंस कंपनी को खास तौर पर इस वक्त आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। 9 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो गई है। फिलहाल कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं प्रशासन पर, और उन सवालों का जवाब मांगने की कोशिश विपक्ष भी कर रहा है, आम जनता भी कर रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि निष्पक्ष तरीके से जल्द इसकी जांच हो पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि यह हादसा भी ऐसे समय में हुआ जब गुजरात के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हालांकि महिपाल इस वक्त एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ गुजरात से। महिपाल, जानकारी दीजिएगा, ऑपरेशन खत्म हो गया है, 135 से ज्यादा शवों को निकाल लिया गया है, घायलों के हालात क्या बने हुए हैं और जांच अभी कहां तक पहुंच पाई है, किस स्तर से इस वक्त जांच चल रही है? महिपाल, जिस तरीके से हर आप बात करें ब्रिज की, तो ब्रिज जिस तरीके से टूटा था उसके बाद में 5 दिन तक, यानी कि कल रात 8 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और 135 शवों को बरामद किया गया था अभी तक। और जिस तरीके से जो घायल थे उनका इलाज चल रहा था, कुछ लोग अभी इलाज करवा रहे हैं, तो कुछ लोग यानी कि माइनर इंजरीज थी उन लोगों को अभी वहां से डिस्चार्ज कर दिया है, कुछ लोगों को वहां से डिस्चार्ज किया है। साथ ही साथ में जिस तरीके से जांच की बात करें, तो जांच यहां पे फॉरेंसिक लेवल पे चल रही है, यहां पे बिल्कुल पुलिस के लेवल पे चल रही है। 5 लोगों में से 4 को बरी किया था, दूसरे लोग अभी भी पुलिस हिरासत में है, उनकी कस्टडी बढ़ाई गई थी, तो उनसे अभी भी पूछताछ चालू है, क्योंकि जिस तरीके से उन पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं कि ओरेवा ग्रुप की कंपनी है, कहीं ना कहीं सरकार से उनकी साठगांठ थी, सरकार के किसी मुलाजिम के साथ में या फिर सरकार में ही किसी के साथ में थी, तो उसके बारे में पूरी जांच चल रही है, और उनको भी अगर जो नाम आया तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी भी बात कही है। साथ ही साथ में जिस तरीके से बता दें कि SDRF की टीम अभी भी एक टीम यहाँ पे रहेगी, साथ ही साथ में फायर ब्रिगेड की टीम भी रहेगी, और जब तक नेशनल टीम यानी कि नेशनल एजेंसी की तरफ से पूरी पुख्ता जानकारी उनको न मिले, निर्देश न मिले, तब तक उनको वहीं पर रहना है। सिर्फ और सिर्फ वो रेस्क्यू नहीं करेंगे या फिर दूसरे जो मलबा निकालने का काम जो था वो कल 8 बजे तक पूरा कर लिया गया है।